ये एक बहुत ही पुराना फार्म हाउस है। मग्गू जग्गू आज इस फार्म हाउस को खरीदने वाले हैं। ये फार्म हाउस मग्गू जग्गू के घर से 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में बसा हुआ है। इस फार्म हाउस का मालिक एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम मिस्टर दादा रहता है। वो इस फार्म हाउस को मग्गू जग्गू को बेच दिया है और आज फाइनल डील है। मग्गू जग्गू पूरा पैसा देकर ये फार्म हाउस अपने नाम करा लेंगे और मिस्टर दादा मग्गू जग्गू का बैठकर वेट कर रहे हैं कि कब तक मग्गू जग्गू आएंगे और उन्हें पूरा पैसा देकर ये फार्म हाउस ले जाएंगे। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उन्होंने एक आदमी को देखा है जो कि मास्क पहने हुए अपने हाथ में तलवार लिए हुए रहता है, जो कि अपने सामने दिखने वाले आदमी सर धड़ से अलग कर देता है। और लगता है मग्गू जग्गू ये फार्म हाउस लेने आ ही गए, क्योंकि मग्गू जग्गू को यहाँ पे एक फैक्ट्री बनानी है और मिस्टर दादा को ये जगह बेचकर यहाँ से जल्दी भागना है। मिस्टर दादा मग्गू जग्गू को यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जग्गू के हाथ में जो सूटकेस है उसमें सिर्फ पैसे भरे हुए हैं इस जमीन के लिए, और ये पैसों से भरा सूटकेस जग्गू मिस्टर दादा को देगा और फिर डील फाइनल हो जाएगी। ये जमीन मग्गू जग्गू के हाथ में आ जाएगी और फिर मग्गू जग्गू यहाँ गोबर के खाद की फैक्ट्री लगाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जग्गू वो सूटकेस मिस्टर दादा के हाथ में सौंप देता है और अब क्या, ये डील तो फाइनल हो गई और अब ये जमीन मग्गू जग्गू की हो गई। मिस्टर दादा फटाफट वो सूटकेस लेकर वहाँ से निकल लेता है। पता नहीं इसे यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों है। और इधर मग्गू जग्गू बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो अब बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने वाले है अपने गोबर की फैक्ट्री लगाकर। मग्गू जग्गू ने आज तय किया है कि वो आज पूरा दिन अपने फार्म हाउस पे बिताएंगे क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा सन्नाटा और शांति है। और मग्गू जग्गू बैठे बैठे ये सोचने लगते हैं कि वो अपने गोबर के खाद के फैक्ट्री का नाम क्या रखेंगे। मग्गू जग्गू के अपने गोबर के खाद के फैक्ट्री का नाम सोचते सोचते शाम हो गया और फिर धीरे धीरे वहां रात भी हो गई। पूरा दिन आराम करते करते दिन ऐसे बीता कि मग्गू जग्गू का समय का अंदाजा ही नहीं हुआ और मग्गू जग्गू आज रात यहीं टिकने का प्लान बनाते हैं। पर मग्गू जग्गू को जरा सोच समझ के यहाँ टिकना होगा क्योंकि यहाँ जैसोन का खतरा है और वो सिर्फ रात में ही दिखता है। पर मग्गू जग्गू अपने खतरों के खिलाड़ी है, वो यहाँ आज रात रुकेंगे तो रुकेंगे। पर इस घर के ऊपरी हिस्से पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। अरे नहीं, ये क्या चीज है, देखने से तो ये जैसोन लगता है, ये सिर्फ रात में ही यहाँ निकलता है। और अब क्या होगा मग्गू जग्गू का, क्योंकि वो दोनों तो यहाँ सिर्फ अकेले है और ये जैसोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसोन इतनी जोर से चिल्लाया कि मग्गू जग्गू बहुत ही ज्यादा डर गए और सोचने लगी आखिरकार ये है क्या। और जब उन्होंने छत पे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उन्होंने जैसोन अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। और फिर जैसोन की नज़र मग्गू जग्गू पे अचानक से चली गई।
मग्गू जग्गू जैसोन को देखते ही वहाँ से दूर भागने लगे, पर जैसोन मग्गू जग्गू को देखकर आग का बुलबुला हो गया। और बस फिर क्या था, जैसोन मग्गू जग्गू के पीछे दौड़ लगा दी। उसने तो पहले छत से टेबल पे छलांग लगा और मग्गू जग्गू के पीछे जाने लगा। मग्गू जग्गू डरे से हमें एक घर के पीछे आके छिपते हैं और दोनों तरफ से देखने लगते हैं कि कहीं जैसोन इनकी तरफ तो नहीं आ रहा। और इधर जैसोन मग्गू जग्गू के बिल्कुल करीब आकर खड़ा है और इधर उधर मग्गू जग्गू को गुस्से से खोज रहा है, क्योंकि वो भी उनका सर धड़ से अलग करना चाहता है। और फिर ये उधर ही जाने लगता है जिधर मग्गू जग्गू छिपे थे, उस घर के पीछे। और अब मग्गू जग्गू तो गए, पर मग्गू जग्गू उस जगह नहीं थे। और जैसोन इधर उधर देखता है पर मग्गू जग्गू उसे कहीं नहीं दिखाई देते। पर मग्गू जग्गू आखिर गए का? जैसोन का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। वो गुस्से से एक और जोरों की चीख लगाता है, पर वो मग्गू जग्गू को इतनी आसानी से जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने इसे देख लिया है। और जिस किसी ने भी जैसोन को देखा है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। पर जैसोन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो मग्गू जग्गू को खोजने इनकी तरफ ही फिर बढ़ने लगता है। और फिर मग्गू ने जैसोन की परछाई देखी और बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि अब वो कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि अब जैसोन की नजर उन पे पड़ चुकी है। जैसोन मग्गू जग्गू को देखते आग का बुलबुला हो गया और इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि फिर उसने एक और जोरों की चीख लगाई और मग्गू की तरफ गुस्से से देखने लगा। तो दोस्तों, क्या होगा मग्गू जग्गू का, ये देखेंगे हम पार्ट टू में। अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जैसोन पार्ट टू लिखिए।